तो फ्रेंड्स, आप सभी का और एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि टायर में पानी कैसे भरा जाता है। ट्रैक्टर टायर में वाटर ब्लास्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमें ट्रैक्टर को जैक की मदद से लिफ्ट करना होगा, जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह से दोनों साइड से जैक लगा के आप ट्रैक्टर को पीछे से लिफ्ट कर सकते हैं। ट्रैक्टर को ऊपर उठाने से टायर में प्रेशर कम होता है, इससे हमें पानी भरने में आसानी होती है और कम प्रेशर भी लगता है। ट्रैक्टर टायर में पानी भरने के लिए सबसे पहले आपको वाल को निकाल देना है। ट्रैक्टर में लो प्रेशर में पानी भरने के लिए हमको पहले उसमें से जो प्रेशर क्रिएट होता है एयर का पानी जाने से, वो निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमने एक नली में छेद करके ठिबक की पुरानी नली आती थी वो लगा दी। इस तरह से बीच में छोटी सी एक नली ऐड करने से क्या होगा, जो टायर में जो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होगा वो निकल जाएगा। इससे हमें पानी भरने में भी आसानी हो जाएगी और हम कम प्रेशर में भी पानी भर सकेंगे। में पानी भरने के लिए हमने एग्रीकल्चर स्प्रे पंप का यूज़ किया है, जो कि 12 वोल्ट पे वर्क करता है और ये सिंगल मोटर पंप है। ट्रैक्टर टायर में पानी की मात्रा 80% होनी चाहिए और 20% उसमें हवा होनी चाहिए। इसकी वजह से हमने नली को ऊपर की साइड कर दिया है, इसकी वजह से वो रिम के लेवल तक 80% भर जाता है, ऊपर का 20% हवा रहती है। 13/6/28 टायर में लगभग 200 लीटर पानी बैठता है एक टायर में, मतलब दोनों टायर मिला के 400 लीटर पानी बैठ जाता है। ऐसे पानी निकलने पर आपको नली निकाल देनी है। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब